तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियल आपके आधार कार्ड की वेबसाइट है उसमें कुछ अपडेट्स आई हैं। अपडेट्स ये हैं कि आप घर बैठे अपना पीवीसी वाला यानी प्लास्टिक वाला जो आपका आधार कार्ड होता है वो बिल्कुल ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, आप अपने घर मंगवा सकते हैं बिल्कुल सिंपल स्टेप में। मैं लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा अपना खुद का यहाँ पे आधार कार्ड पीवीसी में मंगवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पीवीसी कार्ड वगैरह है तो मतलब भीगने की कहीं डर नहीं रहती है और जो हमारा रहता है परमानेंट एक तरह से कह सकते हैं मेरी आईडी हम लोग के पास रहती है, क्योंकि डीएल वगैरह सब कुछ पीवीसी में आता है तो ये भी मतलब पीवीसी में रहता है तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा ना यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आई है कि किस तरह से आपको अपना पीवीसी कार्ड सबको दिया जा रहा है, किस तरह से आप ऑर्डर करेंगे, पूरी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ कि पीवीसी वाला आधार कार्ड आप कैसे अपने घर तक मंगवा सकेंगे, चाहे आप किसी गाँव से हो या कहीं से हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर तक पहुंच जाएगा। आइए पूरी बात इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर करूंगा चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो की जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए चलिए कमाल वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइव देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ऐसे स्क्रीन लगा दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, अपने क्रोम ब्राउजर में लिखना होगा यम आधार, ठीक है, यही लिख के आपको सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च करेंगे ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यम आधार ऐसे लिखना होगा और उसके बाद सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन एक साइड दिखती है, होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्टली भी आप इस साइट पर जा सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा और ओके पे क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आगे कुछ इस तरह से चले जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी या ई आईडी डाल के यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे और उसके बाद ऑर्डर करेंगे, ठीक है, बस यहाँ से धैर्य से देखते रहिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। मैंने अपना आधार कार्ड नंबर भर लिया, एक बार चेक कर लीजिए सही से भरे हैं या नहीं भरे हैं। फिर नीचे जो कैप्चा दिख रहा है कोड, एक कोड आपको भरना होगा, ये भी कोड हम भर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैंने भर दिया। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आइए और यहाँ पे माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पर चेक मार्क कर दीजिएगा। अगर रजिस्टर्ड होगा तो चेक मार्क मत करिए, अगर नहीं रजिस्टर्ड है इस पर चेक मार्क करके आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर भर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर है तो कोई बात नहीं, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। अब सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ओटीपी आपके नंबर पर जाएगी और वो ओटीपी आपको भरना होगा। मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुकी है और यहाँ पर मैं ओटीपी को भरूँगा जो 6 अंक की आई है यहाँ पर मेरे इस नंबर पर, ठीक है। मैं ओटीपी यहाँ से देख लेता हूँ और भर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ओटीपी देखा और यहाँ से फिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लीज़ चेक टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर चेक मार्क करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ नया वाला इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, साइट लोडिंग ले रही है और उसके बाद देखिए आपके सामने किस तरह से इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे जो साइट है यहाँ पे ये मतलब कुछ चार्ज भी लेती है आपसे, आपका यहाँ पे आधार कार्ड पीवीसी आधार कार्ड बनवाने के लिए। आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या चार्ज लेती है, कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार और मैं यहाँ पे ओटीपी भरूँगा और उसके बाद यहाँ पर सबमिट करूँगा। अब दोस्तों मेरे यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगे और शो होंगे और हमको क्या करना होगा, नीचे की तरफ चले जाना होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मेक पेमेंट का, दोस्तों हमको 50 रुपये चार्ज करती है पीवीसी कार्ड बनाने के लिए और आपके घर तक ये डिलीवर करेगी, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे आप पेमेंट वाले पेज पे। अब यहाँ पे आप अपने कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं, 50 रुपये आपको पे करना है। मैं यहाँ पे कार्ड के थ्रू करूँगा, ठीक है। आइए मैं कार्ड का डिटेल यहाँ पे फिल करके और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना ओटीपी भर के सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, मेरा पेमेंट प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट कन्फर्मेशन का अभी हमको यहाँ पर
पॉपअप शो हो जाएगा, देख सकते हैं मेरा पेमेंट हो चुका है। और अब आपको क्या करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि यहाँ पे आप इसको ट्रैक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो SRN है ना, इसको कॉपी कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा ताकि इससे आप ट्रैक कर सकें। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर मिल जाता है, ट्रांजेक्शन ID है, अमाउंट है, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पेमेंट के रिसिप्ट वगैरह, ठीक है। ये आपके घर डिलीवर हो जाएगा और आप यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट वगैरह अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए मेरा पेमेंट है, रिसिप्ट है, आप मैंने ले लिया। अब दोस्तों आपके घर डिलीवर हो जाएगा आपका आधार कार्ड। दोस्तों बता दूं, अगर आप PVC आधार कार्ड कहीं मार्केट से बनवाते हैं तो वैलिड नहीं होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो ये यहाँ पे हर जगह वैलिड होता है। जो आप यहाँ पे मार्केट से बनवाते हैं वो वैलिड नहीं होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि PVC आधार कार्ड हम अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर तक मंगवा सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी मैं हेल्प करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।